वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही स्टडीज? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। लेकिन यह युद्ध चाहे अंग्रेजों के जो नेतृत्व कर रहे थे वो क्लाइव कर रहे थे, और क्लाइव क्योंकि हमें पता है बहुत चालाक थे, बहुत शार्प माइंडेड थे, तो इन्होंने किस तरह से सिराजुद्दौला को हराया, कैसे पहले क्या किया, सिराजुद्दौला के जो करीबी थे, उनके जो मेनली जो अधिकारी थे, उनको पहले अपने पक्ष में किया और इस तरह से धोखे से जो है उनको लड़ाई में हरा दिया, और जिसके बाद सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। तो चाहे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, लेकिन यह है एक निर्णायक युद्ध साबित नहीं हुआ। कि निर्णायक युद्ध साबित नहीं हुआ इस तरह से आप कह सकते हैं कि मुगल शासक द्वारा इन्हें अभी वैधता प्रदान नहीं की गई थी कि यहाँ पर आप जो है फ्रीली शासन कर सकते हैं, बंगाल में व्यापार जो है आप बिना किसी बंधन के कर सकते हैं। तो आगे चलकर आज हमें पढ़ना है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर के युद्ध में हम देखेंगे, बक्सर का युद्ध आपके मॉडर्न हिस्ट्री में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय के साथ ही अंग्रेजों को मुगल शासक से एक वैधता प्रदान की गई कि भारत में अब आप जो है यहाँ पर अपना शासन जमा सकते हैं, आप यहाँ पर आप फ्रीली व्यापार कर सकते हैं, और जो धन की लूट अंग्रेज यहाँ से कर रहे थे भारत, तो उसको भी एक संस्थागत रूप जो है मिल गया अंग्रेजों को बक्सर की लड़ाई के बाद। तो ये कैसे मिला आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बक्सर की लड़ाई बंगाल में, कि बंगाल में कैसे अंग्रेजों को वैधता प्रदान हुई कि यहाँ पर आप वो फ्रीली शासन कर सकते हैं, वित्तीय राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, और इसी के साथ ही पूरा बक्सर की लड़ाई के साथ बंगाल राज्य में उनकी विजय हो जाएगी। तो ये हम आज पूरा पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कहां तक हमने पढ़ लिया था कि बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर जी को नवाब बनाया गया, और जो अगला नवाब है वो किस कौन बनाया गया, मीर जाफर। जब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो अब उनकी जो मांगे हैं बढ़ती जा रही है कि अब हमें उपहार स्वरूप ये चाहिए वो चाहिए, तो तंग आकर जो है वो डच से मिल गए। लेकिन अंग्रेजों को पता लग गया और बेतारा के युद्ध में उन्होंने डच को भी हरा दिया, और जो मीर जाफर उनसे मिले हुए थे वो तो हार ही गए साथ साथ। तो मीर जाफर को हटाकर उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया था। तो ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवाइज करा दूं मैं। जब मीर कासिम नवाब बने तो उन्होंने अपनी वास्तविक शक्तियों का, जो नवाब की वास्तविक शक्तियां हैं उनका उपयोग करना चाहा, और इसी के चलते जो अंग्रेजों को दस्तक प्राप्त था, दस्तक जो है एक छूट प्रदान की गई थी व्यापार के लिए बंगाल में, तो वो जो है उनसे वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि मीर कासिम ने कि बंगाल में अब कोई जो है जो टैक्स है, चुंगी है, वो मैं उसे समाप्त ही कर देता हूँ। तो इससे तंग आकर, क्योंकि अंग्रेजों को इससे घाटा हुआ, तो जिसके बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को जो है इनका विरोध किया, और मीर कासिम के अगेंस्ट जब इनका विरोध हुआ तो डर के मारे जो है मीर कासिम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से, बंगाल से भागना पड़ा। तो वहां से चले गए, तो दोबारा से मीर कासिम की, क्योंकि वहां से वो चले गए, मीर कासिम भागकर कहां चले गए, अवध के नवाब के पास, जो कि कौन थे, शुजाउद्दौला। मीर कासिम तो यहां चले गए, अब किसे बंगाल का अगला नवाब बनाया जाए। तो दोबारा से अंग्रेजों ने मीर जाफर को, जिसे पहले हटा दिया गया था, मीर जाफर को ही दोबारा से जो है आपका बंगाल का नवाब बना दिया कि चलिए कोई बात नहीं, अब आप ऐसा मत करिएगा कि हमारे अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मीर जाफर भी थोड़ा लालची इंसान था, ठीक है मैं अब आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, आप मुझे बंगाल का अगला नवाब बना सकते हैं। तो अब कहानी हमारी शुरू होती है कि अब जो नवाब है बंगाल का वो कौन है, 1764 में नवाब है बंगाल का मीर जाफर, और मीर जाफर के टाइम में ही क्या हुई, आपकी बक्सर की लड़ाई हुई। तो मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया तो अवध के नवाब के पास कौन भागकर चला गया था, मीर कासिम। तो मीर कासिम को ही हटाकर जो है आपके मीर जाफर को नवाब बनाया गया, है ना। तो ये सब हम देख लें। अब जब मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया तो मीर कासिम जो भागकर चला गया है अवध के नवाब के पास, तो ये तो अब चुप बैठने वाले नहीं थे, इन्होंने कहा कि ठीक है अवध के नवाब ने थोड़ा
थोड़ा समझाया कि ठीक है आप चिंता मत करें, आपको जो बकाया गया है वहां से हम उसका बदला लेंगे और हम जो है अंग्रेजों से उनका विरोध करेंगे और दोबारा से बंगाल का नवाब जो है आपको बनाएंगे। तो इसी से बदला लेने के लिए जो है दोबारा से क्या हुआ, युद्ध हुआ किसके बीच में, अंग्रेजों, एक तरफ थे अंग्रेज जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ थे आपके, लिख ले, दूसरी तरफ थे आपके अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन्हीं के साथ अंग्रेज के साथ ही कौन है आपके बंगाल के नवाब, मीर जाफर, क्योंकि इनके इनको ही तो नवाब बनाया गया था मीर कासिम को हटाकर, तो मीर कासिम भी इनके साथ ही थे, तो शुजाउद्दौला कौन थे, वे आपके अवध के नवाब थे, साथ में आपके कौन है, मीर कासिम है जिन्हें हटाया गया है, और साथ में मुगल शासक, मेन चीज यहां पर आती है मुगल शासक, और उस समय मुगल शासक थे आपके शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय, तो इन दोनों के बीच में जो है आपकी क्या हुई है, बक्सर की लड़ाई हुई है। बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई, अंग्रेजों जिनका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और उनके साथ बंगाल के नवाब तो थे ही, और साथ ही दूसरी तरफ थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम जिन्हें नवाब के रूप में हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया था और उन्होंने जाकर शरण ली थी अवध के यहाँ पर, तो मीर कासिम और साथ ही मुगल शासक जो कौन थे, शाह आलम द्वितीय, तो इनके साथ जो इनकी लड़ाई हुई। तो बक्सर के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, कैसे, तो सबसे पहले तो किसकी विजय हुई, यहाँ पर जो है अंग्रेजों की विजय हुई और यहाँ पर जो दूसरी पार्टी की यहाँ पर हार हुई। तो अंग्रेजों की जब विजय हुई तो इन्होंने बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है एक संधि की, युद्ध के पश्चात, और इस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि, इंपॉर्टेंट है, और इलाहाबाद की संधि के क्या परिणाम हुए, तो ये सब चीजें जो है हमें आज करनी है। तो ये चीजें आज आपको समझ में आ गई। तो इलाहाबाद की संधि के समय जो कि आपकी बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764 में, और ये कब हुई है संधि आपकी 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि में हम देखेंगे कि क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि जो बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक युद्ध साबित हुई जिसने आपका अंग्रेजों को एक वैधता भारत में जो है बंगाल में शासन के लिए व्यापारिक रूप देने के लिए जो है उनको वित्तीय राजस्व प्रदान करने के लिए उनको अंग्रेजों को मुगल शासक से एक वैधता मिल गई थी। तो ये सब चीजें हमें इलाहाबाद की संधि में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इलाहाबाद की संधि के समय जो आपके बंगाल के नवाब थे वो कौन थे, तो अब तक जो बंगाल के नवाब थे, अब इलाहाबाद की संधि जब 1765 में हुई तो बंगाल के नवाब अब कौन थे, नजबुद्दौला, मीर जाफर जी की मृत्यु इस दौरान हो गई थी, और अगले जो बंगाल के नवाब बनाए गए वो कौन थे, नजमुद्दौला, जिनका शासनकाल था 1765 से 1767 तक जो है इनका काल जो है आपका रहा। तो इनके काल के समय आप देखेंगे 1765 से 1766 लिख लें, तो इनके समय में नजमुद्दौला बंगाल के अगले नवाब है जिनके समय में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस इलाहाबाद की संधि में क्योंकि मुगल शासक बक्सर की लड़ाई में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी थे, तो इसमें इलाहाबाद की संधि में जो पहला पॉइंट आप यहाँ पर लिख ले कि इस इलाहाबाद की संधि के अकॉर्डिंग जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों की जो दीवानी अधिकार है दीवानी अधिकार यानी कि जो वित्तीय राजस्व है उसके अधिकार जो है इनको प्रदान किए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि मुगल शासक द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो वित्तीय राजस्व के जो अधिकार है वो प्रदान किए गए, यानी कि अब यहां से वो जो फ्रीली व्यापार कर सकते हैं, राजस्व की जो है यहां से जो है वसूली कर सकते हैं। तो पहला जो है आपको याद ये रखना है। उसके साथ ही इसके बदले जो है मुगल सम्राट को क्या दिया गया, मुगल सम्राट को 26 लाख जो है
पेंशन देकर, ये जो है 26 लाख पेंशन देने के बाद हुई कि जो है मुगल सम्राट को ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 26 लाख जो पेंशन है वो सालाना दी जाएगी। लेकिन ये 26 लाख पेंशन अंग्रेजों द्वारा दी जाएगी, बेशक अंग्रेजों द्वारा, लेकिन दरअसल ये कौन दे रहा है, आपका जो है बंगाल के नवाब है वो ये आपको शासन देंगे। तो 26 लाख पेंशन आपको अंग्रेजों के द्वारा दी गई, लेकिन डायरेक्टली दे कौन रहा था, ये बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिया जाएगा इसके बदले। किसके बदले? कि उन्हें वित्तीय राजस्व जो है उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं मुगल शासक के द्वारा, इसके बदले 26 लाख पेंशन अंग्रेजों के द्वारा उनको दी जाएगी। लेकिन दरअसल 26 लाख जो पेंशन जो मुगल सम्राट को दी जाएगी वो दे कौन रहा था, बंगाल का जो नवाब है वो आपका दे रहा था। और अवध के नवाब से, अवध का नवाब शुजाउद्दौला वो भी क्योंकि युद्ध में शामिल था, तो अवध के नवाब से जो है इलाहाबाद संधि के तहत जो है आपका, इस संधि के तहत जो इलाहाबाद का एरिया, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, ये जो कड़ा है ये आपके अवध में ही जो है आपका है, तो इलाहाबाद और जो कड़ा का क्षेत्र है वो मुगल सम्राट को दे दिया गया। क्या है ये भी आपको मुगल सम्राट को दे दिया गया है ना। तो ये अवध से जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनसे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। और अवध के नवाब पर, अवध का नवाब के नवाब के पद जो अवध के जो नवाब थे कौन थे, शुजाउद्दौला जी थे, उस उन पर जो 50,000 रुपए जो है जुर्माना लगाया गया, 50,000 रुपए जो है हर्जाना, वो किस चीज का, युद्ध हर्जाना की, आपने जो है हमसे लड़ाई की है तो इसके बदले आप पर 50,000 रुपए जो है जुर्माना लगाया गया। और ये किस पर लगाया गया, अवध के नवाब पर। तो अवध के नवाब वाले क्या देंगे, उनको रुपए भी देंगे, साथ ही जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है ये भी अपना जो मुगल सम्राट को दे देंगे। तो ये सब था आपका इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इलाहाबाद की संधि के तहत देखिए सारा प्रॉफिट किसको हो रहा है, अंग्रेजों को। कैसे? सबसे पहले तो उनको वित्तीय राजस्व के अधिकार मिल गए मुगल शासक थे, मुगल शासक से। उसके बदले उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों ने कि हम आपको 26 लाख पेंशन देंगे, लेकिन 26 लाख पेंशन दरअसल कौन दे रहा था, बंगाल के नवाब दे रहे थे नजमुद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो किस युद्ध में शामिल थे उन पर क्या कहा गया, क्योंकि आप युद्ध कर रहे थे तो आपको एक हम पनिशमेंट देंगे, युद्ध हर जाने के रूप में आपको 50,000 रुपए देने होंगे, और साथ ही इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र भी जो है आपको मुगल सम्राट को देना होगा। ओके, इसके बदले अवध के नवाब को एक आश्वासन दिया गया अंग्रेजों को, अंग्रेजों के द्वारा, कि ठीक है आप इतना कर रहे हैं तो हम भी आपको एक आश्वासन देते हैं, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला शामिल थे, कि फ्यूचर में कभी भी जब आपको जरूरत होगी, आप पर कोई को अगर किसी के द्वारा आपके अगेंस्ट युद्ध किया जाएगा तो हम आगे खड़े रहेंगे, हम आपका साथ जो है देंगे। तो अवध के नवाब को एक आश्वासन अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कि कभी भी अगर आपके अगेंस्ट कोई युद्ध करता है तो उसमें हम जो है आपका साथ देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिसमें खुद मुगल शासक के द्वारा जो है, खुद मुगल शासक के द्वारा अंग्रेजों को वित्तीय राजस्व के जो अधिकार है प्रदान किए गए। और इसी तरह इसी के साथ जो अंग्रेज धन की लूट भारत से कर रहे थे उसे एक संस्थागत रूप यहां से उनको मिल गया, और एक उन्हें वैधता प्रदान की हो गई कि अंग्रेज जो है अब यहां से फ्रीली जो है व्यापार जो है कर सकते हैं। तो यहां से भारत विजय की जो अंग्रेजों की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है बंगाल के बाद, कि जब यहाँ पूरा बंगाल में तो उनका अधिकार हो ही गया है, खुद मुगल शासक ने उन्हें वैधता प्रदान की गई है, और इसी के साथ अंग्रेजों की बंगाल के बाद से एक भारत विजय की जो है एक प्रक्रिया उनकी जो है स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो हम टॉपिक कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार, तो हमने कहा था कि सबसे पहले विस्तार करने के लिए उन्होंने शुरुआत की आपके बंगाल राज्य की। कैसे शुरुआत की, किस तरह से अपने पैर जो यहाँ पर पसारे हैं, तो ये हमने देख लिया कि जब प्लासी के युद्ध के बाद जब बक्सर की लड़ाई हुई तो उसके बाद मुगल शासक से उन्हें बंगाल बिहार उड़ीसा की वित्तीय राजस्व के जो अधिकार है वो आपके मिल गए। इसी के साथ बंगाल में अब जो है दोहरा शासन हो रहा था, द्वैध शासन हो रहा था। कैसे द्वैध शासन? इस तरह से हो रहा था कि चाहे बंगाल का जो नवाब है नजमुद्दौला को बनाया गया, लेकिन यहाँ के जो वित्तीय राजस्व के अधिकार थे वो किसको मिले हुए थे, वो अंग्रेजों को मिले हुए थे। तो वित्तीय राजस्व सारा अंग्रेज प्राप्त कर रहे थे,
दूसरा जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे, प्रशासनिक अधिकार किसके पास थे, वो नजमुद्दौला के पास थे। सारे काम नजमुद्दौला कर रहा है, लेकिन जो निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे थे, प्रशासनिक निर्णय जो लिए जा रहे थे, चाहे कहने को नजमुद्दौला वो निर्णय ले रहा था, लेकिन जो उनके पास जो असली पावर थी वो किसके पास थी, वो अंग्रेजों के पास थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बंगाल में दोहरा शासन चल रहा था। कहने को आपका नजमुद्दौला के पास जो है प्रशासनिक निर्णय के अधिकार थे, लेकिन दरअसल जो सभी निर्णय संचालित किसके द्वारा हो रहे थे, वो आपके अंग्रेजों के द्वारा हो रहे थे। तो इस तरह बंगाल की जो है स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी और बंगाल जो है पूरी तरह जो है आपके अंग्रेजों के चंगुल में आ चुका था। और इसी के साथ बंगाल में के साथ ही अंग्रेजों का जो है ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार बाकी भारत में शुरू हो गया। बंगाल के बाद वो आगे बढ़ेंगे मैसूर की ओर, पंजाब की ओर। तो ये आज की वीडियो में हमने बस इतना ही कंप्लीट करते हैं कि कैसे बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने अपनी विजय प्राप्त करके बंगाल पर पूरी तरह से अपना शासन जो है जमा लिया था। तो ये था आज की वीडियो में, इम्पोर्टेंट था बक्सर की लड़ाई। पूछा जाता है किस किस के बीच में हुई है, तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुर्रो। एक और चीज हम भूल गए, मैं इलाहाबाद की संधि करने के लिए अंग्रेजों ने स्पेशल किसको बुलाया था, अवध से स्पेशल बुलाया गया क्लाइव को। तो क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ये इलाहाबाद की संधि जो है की थी, क्योंकि क्लाइव हमें पता है बहुत शार्प माइंडेड थे, तो इनके अकॉर्डिंग ये सारी जो है इलाहाबाद की संधि जो है की गई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे मैसूर, कैसे उन्होंने मैसूर राज्य में आगे अपनी जो है विजय प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।